की वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एक सच्ची घटना के बारे में जो मेरे साथ हुई और ये आपके साथ भी हो सकती है। तो क्या हुआ मेरे साथ ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो ये ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट कर दें। तो ये कहानी है दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरे पापा की है। क्या होता है कि आज से कुछ दिन पहले की ये बात है, मैंने अपने पापा से जो है कुछ पैसे मांगे थे, स्कूल में मुझे देने थे वो पैसे, 10,000 रुपये मुझे स्कूल में देने थे। तो मैंने अपने पापा से जो है 10,000 रुपये स्कूल में मांगे थे परीक्षा देने के लिए, और साथ ही साथ जो है परीक्षा के समय फीस को जमा करने के लिए मैंने ये पैसे मांगे थे, और प्लस अलग से कुछ खर्च मांगा था जिससे मैं जो गाड़ी की जो भी ट्रैवलिंग है, मतलब सेंटर काफ़ी दूर गया था, घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे सेंटर गया था, तो उसके लिए मांगा था मैंने पैसे। तो क्या होता है कि पापा ने कहा कि मतलब मैं तुम्हें जो है पैसे एक दो दिन में दे दूँगा, तो उन्होंने जो है दो दिन में मुझे पैसे जो है भेजा। तो जब पैसे उन्होंने भेजा मेरे को, तो उस समय मैं किसी काम में व्यस्त होने की वजह से मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो पैसे जो है मेरे अकाउंट में आए या नहीं आए। मैंने कहा कि आ गए होंगे, तो वो पापा ने मुझे फ़ोन भी किया कि मतलब पैसा पहुंचा कि नहीं, पर मैं उस समय मेरा जो है दिमाग नहीं काम किया कि क्या हो गया पता नहीं चला, पर मैंने जो है वो पैसा चेक नहीं किया कि आया कि नहीं आया। तो दो दिन बीत जाते हैं धीरे धीरे। दो दिन के बाद एक दिन शाम को जो है मैं टहल रहा होता हूँ, तो अचानक से मुझे जो है ख्याल आता है कि पापा ने जो पैसे भेजे हैं चलो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। तो जो ही मैं जो है अपना पेटीएम ओपन करता हूँ और अपना जो है अकाउंट से बैलेंस जब चेक करता हूँ, तो चेक करने से मैं ये पाता हूँ कि मेरे अकाउंट में वो बैलेंस आया ही नहीं है, और मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि पापा ने तो लगभग 12,000 रुपये सेंड किया है और पैसे आया नहीं। तो मैं जो है अपना पेटीएम पेमेंट बैंक भी चेक करता हूँ, वहाँ पे भी नहीं आया, मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें भी नहीं आया। तो आखिर में पैसा हुआ कहाँ, ये पैसा आखिर में गायब कहाँ हो गया? तो मेरे मन में तरह तरह के ख्याल जो है उत्पन्न होने लगे, मैं घबरा गया, मैं सोचने लगा कि क्या होगा, पैसे कहीं कट तो नहीं गए, बैंक ने तो काट नहीं लिया, इस तरह के अजीबोगरीब ख्याल मेरे दिमाग में आना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ देर बाद मुझे इतना पसीना और गर्मी होने लगती है कि जिससे मैं बेचैन हो जाता हूँ और टेंशन में आ जाता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर के बाद, बहुत सोच विचार के बाद, मैं पापा को फ़ोन करता हूँ और कहता हूँ कि जो आपने बैलेंस भेजा है वो मेरे में नहीं आया। तो पापा कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अकाउंट में चला गया। तो मैं फिर उनको कहता हूँ कि नहीं, मैं गलती से मैंने कह दिया था, मैंने उस समय चेक नहीं किया था। तो थोड़ा सा मुझे डांट पड़ती है, बट उसकी कोई बात नहीं। लेकिन मैं पापा से कहता हूँ कि पापा एक बार आप ऐसा करिए कि जो है अपना हिस्ट्री चेक करिए जहाँ से आपने मुझे पैसे भेजे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर चेक करिए कि वो पैसा आया है कि नहीं आया है। तो पापा जो है कुछ देर के बाद वो चेक करते हैं अपने अकाउंट में, तो वो देखते हैं कि वो जो पैसा है वो भेजा है उन्होंने, लेकिन वो क्या होता है कि वो पापा जो है एक जो सवारी थी, मतलब मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर हैं, तो वो एक सवारी ने उन्हें जो है पेटीएम पे 300 रुपये अमाउंट भेजा था। तो क्या होता है कि जब पापा को वो अमाउंट मिलता है, तो पापा मतलब वही नाम से, उस बंदे का भी नाम वही होता है जो मेरा नाम है, यानी कि राहुल नाम था उस बंदे का भी। तो पापा ने क्या किया कि अचानक से उस अमाउंट को जो मतलब मुझे भेजना था वो गलती से उसके अकाउंट में डाल दिया था।
तो अब पापा क्या करते हैं कि वहाँ से उसकी जो है मोबाइल नंबर निकालते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि पापा जो है उससे बात कर लीजिएगा, अगर नहीं मानेगा वो बंदा तो मैं भी उससे बात करूँगा। बट क्या होता है कि पापा जो है कुछ देर बाद उससे बात करते हैं तो वो कहता है, हाँ अंकल जी, दो दिन पहले जो है आपका पैसे जो है मेरे पे आ गया। मैं अभी आश्चर्य हूँ कि कहाँ से इतना पैसे आ गया मेरे पास। तो फिर वो बंदा कहता है कि मतलब कि अंकल जी, अभी मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, मैं रिचार्ज कर लूँगा तो आपको अमाउंट भेज दूँगा। तो पापा कहते हैं कि बच्चा ऐसा करो कि तुम उसी में से कुछ अपना रिचार्ज कर लो और बाकी मेरे पैसे वापस भेज दो। तो कुछ देर बाद वो बंदा जो है उसमें से 300 रुपये का रिचार्ज करता है अपना, और इसके बाद वो सारा अमाउंट भेज देता है। फिर क्या होता है कि वो अमाउंट फिर बैंक में फंस जाता है, और बैंक में फंसने के बाद फिर 2 दिन के बाद वो अमाउंट फाइनली पापा के अकाउंट में आता है, फिर वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस कहानी का को बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि अगर वो बंदा जिसके पास वो पैसे गया था वो चाहता तो हमें नहीं लौटाता, लेकिन उसने जो है कहीं ना कहीं अपनी इंसानियत दिखाई और उसने जो पैसे थे मेरे उस पैसों को लौटा दिया। हालांकि 200-300 मेरा गया, पर उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी तो मेरा मूलधन वापस आ गया और उस वक्त बंदे ने इंसानियत दिखाई और हमारी मदद की और मेरा जो है 12,000 का नुकसान करके बच गया। तो उस बंदे को जो है दिल से आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि उस बंदे ने जो है हमारे जैसे मिडिल क्लास वालों की इतनी हेल्प की। बाकी आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको? ये मेरी खुद की रियल घटना की स्टोरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करिएगा और कमेंट में हमें अपनी राय दीजिएगा उस बंदे के बारे में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।